अब एक और सवाल कि ये फजीलत 1,000 नमाज से बेहतर की फजीलत सिर्फ फ़र्ज़ को है या सुन्नत को भी है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सलातुन, कोई भी नमाज, ये नहीं कहा कि फ़र्ज़ या सुन्नत, कोई भी नमाज। तो कोई भी नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज 1,000 नमाजों से बेहतर होगी दूसरी मसाजिद के मुकाबले में, सिवाय खाने काबा के। एक और सवाल, ये जो फजीलत है क्या ये फजीलत सिर्फ नमाज के साथ खास है या फिर जिक्र अजकार भी इसमें शामिल है, तलावत कुरान भी शामिल है? जवाब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सलातुन, नमाज, खास किया है नमाज को। इसका मतलब वो चीज़, वो अमल जिसको नमाज नहीं कहा जाता वो इसमें शामिल नहीं है। अब इसमें एक और सवाल कर सकते हैं कि नमाज जनाजा तो मुकम्मल तरीके की नमाज नहीं है, उसमें सिर्फ क़याम ही है, तो क्या कोई अगर नमाज जनाजा पढ़ता है तो उसको भी यही सवाब मिलेगा? हम सवाल करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा सलातुन, हर वो अमल जिसको सलात और नमाज कहा जाएगा वो इसमें शामिल है। तो जनाजे पर भी 1,000 नमाज से बेहतर का सवाब और उसकी फजीलत है। क्लियर तमाम मामलात?